नमस्कार, नॉनस्टॉप नेशनल સાથે હું છું ભક્તિ। હવે વિસ્તારથી સમાચારો પર નજર કરવામાં આવે તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમન પહેલા મુખ્યમંત્રી આદિત્યનાથ યોગી અયોધ્યા પહોંચ્યા હતા અને આ દરમિયાન તેમણે પૂર્વ તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી હતી। મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથનો કાફલો હનુમાનગઢી રામ જન્મભૂમિ ગયો હતો જ્યાં તેમણે પૂજા પણ કરી હતી। સાથે જ સીએમ યોગીએ અયોધ્યાના નવા એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશન સાથે जाहिर सभा स्थल निरीक्षण कर्यु हतु। निरीक्षण करता समय मुख्यमंत्री योगीए स्थल नी पण सेल्फी लीधी हती। ज्यां पीएम आवतीकाले एरपोर्ट नु उद्घाटन करवाना छे जेना पगले अयोध्या में तैयारी ने आखरी ओप आपवामां आवी रह्यो छे। बीजी बाजू में 22 तारीखे योजनार कार्यक्रम पगले तमाम राजकीय धार्मिक वेपारी जगत ने अयोध्या ट्रस्ट तरफ थी आमंत्रण आपवामां आव्युं छे। अयोध्या में 22 जान्युआरी रोज रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करवामां आवशे। आ अवसर पगले जाने के समग्र देश आ प्रसंग की राह जोई रह्यो छे। एवामां अयोध्या में आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हस्ते उद्घाटन करवामां आवशे। एरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग ने तिरंगानी थीम पर सजावामां आवी रह्यु छे। आ नवनिर्मित एरपोर्ट मुख्य अयोध्या शहर थी लगभग 15 किलोमीटर दूर छे। तेमां आधुनिक बांधकाम सामग्री उपयोग करवामां आव्यो छे। तेने अयोध्या स्टेशन थी नवी इमारत जेवो परंपरा देखाव आपवामां आव्यो छे। मुख्य दरवाजो पण आज रीते बनाववामां आव्यो छे। सीतापुर रोड बाजू थी एरपोर्ट तरफ जता मुख्य मार्ग पर घणा पोस्टर लगाववामां आव्या छे जेमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की तस्वीर अने तेमना उपर स्वागत संदेश लखवामां आव्यो छे। आ मार्ग पर सुशोभित लैम्प पोस्ट लगाववामां आव्या छे ज्यारे वच्चेनी हरियाळी आ विस्तारने आभाने वधारे छे। टर्मिनल बिल्डिंगनो अभाग्रस्त अयोध्या में श्री राम मंदिर ना स्थापन ने प्रतिबंधित कर रही है। टर्मिनल बिल्डिंग नो आंतरिक भाग स्थानिक कला चित्रों और भगवान श्री राम ना जीवन ने दर्शाता भीत चित्रों से शणगारवामां आव्यु छे। तो उनको अगर कहीं विदेश से आना है तो भी आ सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया। देश से आना है तो भी हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेल मार्ग है, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन रहा है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बन के तैयार है, 5 कोसी परिक्रमा मार्ग है, राज्य मार्ग है, जल मार्ग से भी हम सरयू मैया का आशीर्वाद लेकर के जल मार्ग से भी लोगों को लाने ले जाने के बारे में काम को आगे बढ़ा चुके हैं। तो आज बदली हुई अयोध्या में जो आप देख पा रही हैं आज की डेट में, तो इतना ही कहूंगा, अभी तो ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाए कह्युं हतुं के अयोध्या एरपोर्टनुं आवतीकाले वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हस्ते उद्घाटन थवा जई रह्युं छे। आ मात्र अयोध्या उत्तर प्रदेश के देश माटे महत्वनी तारीख नथी, परंतु समग्र विश्व माटे महत्वपूर्ण छे। तारीख हती राम जन्मभूमि में परिवहन सुविधाओ उपलब्ध थशे के जोवानी अमारी उत्सुकता हती। वडाप्रधान नो ठराव हतो के अयोध्या में अत्याधुनिक एरपोर्ट रेलवे स्टेशन ने तमाम परिवहन सुविधाओ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होवी जोईए। महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल भारत संपूर्ण भारत वर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे अयोध्या में राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अंगे निवेदन आप्यु हतु। केटलीक बाबतों माटे दायकाओ सुधी राह जोवी पड़ी छे। राम मंदिर माटे पण दायकाओ सुधी नहीं परंतु सदियों सुधी राह जोवी पड़ी हती। आखरे मोदी सरकार ना नेतृत्व में राम मंदिर बनाववामां आव्युं छे। तेमणे कह्युं छे के देशभर में भजन कीर्तन थी लईने दीप प्रगट्य सुधी अनेक कार्यक्रमों योजाशे। कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 है, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने, और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं शताब्दियों का इंतजार करना पड़ता है। 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो ना केवल केस भी जीते बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर
रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आगामी 22 जानुआरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थवानी छे त्यारे नेपाल की पवित्र नदियों जल अयोध्या में भगवान श्री राम नो जलाभिषेक करवा माटे आवशे। नेपाल ना जनकपुरी थी 251 किलो तांबा ना कलश में पानी लईने अयोध्या जवा निकलेला शोभा यात्रा नो गोरखपुर पहुंचता भव्य स्वागत करवामां आव्यु हतु। आरती साथे आवेला अधिकारीओनु गोरखपुर मंदिर स्वागत कर्यु हतु अने सन्मान करवामां आव्यु हतु। आ रथयात्रा नेपाल थी गोपालगंज तमकुही राज फिजलनगर थईने गोरखपुर पहुंची हती अने यात्रा गोरखपुर थईने अयोध्या धर्शे। महत्वनुं छे के रामलल्लाना जलाभिषेक माटे बागमती नारायणी गंगा सागर दूधमती काली गंडकी कोसी कमला वगैरे नदीओना पाणी आ कळशमां भरवामां आव्या छे। विश्व में 500 वर्षों के बाद ये दिन ये अति उत्तम शुभ दिन आया है। सबका इंतजार है और सब जो सब कोई अपने तरफ से कुछ न कुछ उसमें भेंट देना चाह रहा है, कुछ न कुछ किसी तरीके से संगन होना चाह रहा है। हम नेपाल वासियों ने भी कुछ करने की कोशिश की तो यही पूर्व से लेकर पश्चिम जो कि ये मेची से लेकर महाकाली नदी तक काफी सारी नदियां हैं, बिमला कमला सेती नदी दूध कोसी हमारे देवघाट का है, आर्यघाट का है, हमारे वो बरहा चतरा का है, बहुत सारे काली गंडकी जी जीते शिलान्यास भी हम लोग का यहाँ नेपाल के से आया था जो प्रभु लला का मूर्ति बनाने के लिए आया था, उस नदी का भी जल है, इसमें सप्तकोसी का जल है, काफी सारे बहुत सारी नदियां हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबुधाबी में प्रथम भव्य हिंदू मंदिर तैयार थई गयु छे। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थाए बनावेलु आ हिंदू मंदिर नु उद्घाटन 14 फेब्रुआरी थशे, जेनु उद्घाटन वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी करशे। गुरुवारे मंदिर नु एक प्रतिनिधिमंडल नवी दिल्ली में वडाप्रधान निवासस्थाने पहुंच्यु हतु अने बीएपीएस ना पूज्य ईश्वरचरण स्वामी अने पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी एम पीएम मोदी ने गुरु वर महंत स्वामीजी वती मंदिर उद्घाटन आमंत्रण आप्यु हतु, जेने पीएम मोदी स्वीकार कर्यु छे। आबुधाबी हिंदू मंदिर प्रतिनिधिमंडले पीएम मोदी साथ लगभग 1 कलाक सुधी अनौपचारिक मुलाकात करी हती अने आ दरमियान वैश्विक संवाददाता माटे हिंदू मंदिरों महत्व ने वैश्विक मंच पर भारत आध्यात्मिक नेतृत्व मोदी विजन की चर्चा करवामां आवी हती। महत्वनुं छे के आबुधाबी आ पहलू हिंदू मंदिर छे के जे अल वकबा स्थान पर 20,000 चौरस मीटर की जमीन पर बनेलू छे। पीएम मोदी 2018 में आ मंदिर शिलान्यास कर्यो हतो अने आ मंदिर ने भारत अने यूएई वच्चे ना संबंधों ने वधु मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पगलू मानवामां आवे छे। पीएम मोदी आ मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट ने भारत अने यूएई वच्चे ना गाढ़ ऐतिहासिक अने सांस्कृतिक संबंधों प्रतीक गणाव्यु हतु। 14 फेब्रुआरी 2024 में उनका मूर्ति प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद हमारे वडा प्रधान और सब भक्त के बीच आकर ये पूरे देश को यूएई देश को और हमारा देश के लिए और हमारा हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो वो जब डेडिकेशन होगा उसकी राह हजारों लोग देख रहे हैं। भारत सरकार युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ समय एटले के उल्का अने असम वच्चे त्रिपक्षीय शांति करार पर हस्तक्षेप करवामां आव्या हता। 40 वर्ष में प्रथम वक्त सशस्त्र आतंकवादी संगठन उल्फाना प्रतिनिधिओ अने असम सरकार वच्चे शांति समाधान करारना मुसद्दा पर हस्ताक्षर करवामां आव्या हता। पूर्वोत्तर में भारत सरकार शांति प्रयोगों तरफ आ एक मोटू पगलू छे, कारण के उल्फा छेल्ला घणा वर्षों थी उत्तर पूर्व में सशस्त्र सुरक्षा दलों सामे हिंसक संघर्ष करी रह्यु छे। दिल्ली में अंगे एक महत्वपूर्ण बैठक योजाई हती जेमां उत्तर पूर्व में शांति करार माटे उल्फा साथे आ करार पर हस्ताक्षेप करवामां आव्या हता। आ बैठक में गृहप्रधान अमित शाह, असामना मुख्यप्रधान हिम्मत बिस्वा सरमा अने गृह सचिव अजय भल्ला अने असामना डीजीपी અને ઉલ્ફા જૂથના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા। પરેશ બરુઆહાના નેતૃત્વમાં ઉલ્ફાના કટ્ટરપંથી જૂથો આ કરારનો ભાગ નથી, કારણ કે તેઓ સરકાર દ્વારા પ્રસ્તાવિત કરારમાં જોડાવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે। આજ ઇસ એમઓયુ કે માધ્યમ સે ઉલ્ફા કે પ્રતિનિધિઓને સભી હથિયાર ઓર ગોલાબારુ કો આત્મસમર્પણ કરને કે લિયે सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए
देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। 22 जानुआरी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन पहला ज देश राजकारण तेज थी गयु। सत्तापक्ष और विपक्ष आंगे एक बीजा पर आरोप प्रत्यारोप लगावी रह्यु। कांग्रेस सांसद शशि थरूरे मंदिर बहाने भाजपा नरेन्द्र मोदी सरकार पर आकरा प्रहार कराया। 22 जानुआरी अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन और थोड़ा दिवसों पछी आबुधाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर उद्घाटन ने लई शशि थरूरे कहु कि आ बने घटनाओं 2024 चूंटनी तख्तो तैयार करते। शशि थरूरे आगाही करी हती कि आ पछी टूंक समय में चूंटनी की तारीखों जाहिर करवामां आवशे। थरूरे कहू कि 2024 माटे नरेन्द्र मोदीए संदेश आपवा मांगे छे कि तेवो हिंदू हृदय सम्राट छे, परंतु तेमणे पूछ्यु छे कि सारा दिवसों शुं थयुं। थरूरे वधुमां कह्युं हतुं कि 2019 ज्यारे विनाशकारी नोटबंदी कारणे वस्तुओं खोटी थई रही हती त्यारे नरेन्द्र मोदीए पुलवामा आतंकवादी हुमला ने सामान्य चूंटणीना राष्ट्रीय सुरक्षानो मुद्दो बनावीने तेनो फायदो उठाव्यो हतो। 2024 ते स्पष्ट छे कि भाजप तेना मूळमां साचो रह्यो छे, स्वरूपमां पाछा आवशे अने नरेन्द्र मोदीए हिंदू हृदय सम्राट तरीके रजू करवामां आवशे। समाजवादी पार्टी ना वडा अखिलेश यादव ना आकरा प्रहारों कांग्रेस नेता राहुल गांधी आक्रमक वर्तो जवाब आप्यो छे। महत्वनुं छे के अखिलेश यादव अनेक वार कांग्रेस उपर निशान साधता कहे छे के कांग्रेस पार्टीए तेमना इलेक्शन ना मुद्दाओं ने उठावी रह्यु छे, जे मुद्दाओं पहलेथी ज तेमनी पार्टी उठावी चूकी छे। जेनो जवाब आपता राहुल गांधी कहे छे के कोईपण प्रादेशिक पक्ष जातिनी वस्ती गणतरी करी शके नहीं, कांग्रेस जेवा राष्ट्रीय पार्टी ज आ करी शके छे। आ रीते राहुले स्पष्ट कर्यु छे के तेओ आ मुद्दाओं ने उठावता रहेशे अने 5 राज्यों में योजायेली विधानसभा चूंटणी में निराशाजनक प्रदर्शन बाद कांग्रेस 2024 योजनारी लोकसभा चूंटणी पर ध्यान केन्द्रित करी रही छे। पक्ष द्वारा जाति गणतरी, ओबीसी मुद्दाओं अने महिला अनामत जेवा मुद्दा उठावामां आवी रह्या छे। 2024 चूंटणी माटे कांग्रेसना नेतृत्वमां भारत गठबंधननी रचना करवामां आवी छे। समाजवादी पार्टी पण आनो एक भाग छे, जो कि घणी वखत एवुं जोवा मळ्युं छे कि बंने पक्षो वच्चे उग्र बोलाचाली थई छे। यूपीमां सीटनी वहेंचणी पर बंने वच्चे तणावनी अपेक्षा छे। दिल्ली में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने जेडीयू नवा अध्यक्ष बनावामां आव्या छे। उल्लेखनीय छे कि लांबा समय थी चर्चा चाली रही थी कि जेडीयू अध्यक्ष पदे थी ललनसिंह राजीनामू आपशे अने आज योजायेली बैठक में अध्यक्ष पदे थी राजीनामू आपी दीधुं छे। जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग पर नीतीश कुमार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन्या छे, जो कि लोकसभा की चूंटणी आयोजन ने लईने ललनसिंह की प्रवृत्ति वधशे। नीतीश कुमार ललनसिंह ने घणी नवी और महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपशे। राजीनामू आपता पहला ललनसिंह ज कार में सीएम नीतीश कुमार साथ बैठक में पहुंचा था। सभा पहला समर्थकों नीतीश की तरफेण में सूत्रोच्चारण कर कार्यकर्ताओं नीतीश कुमार जिंदाबाद नारा लगवाया था। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा, इसलिए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस टूंक समय में अन्य पक्षों साथ इंडियन गठबंधन ने बैठक वहेंचणी अंगे चर्चा शुरू करशे। सूत्रों अनुसार जानुआरी पहला अठवाडिया में ज कांग्रेस विपक्षी दलों साथ बैठक करशे अने सीट शेरिंग फॉर्म्यूला पर चर्चा करशे। वास्तव में लोकसभा चूंटणी में भाजप विरुद्ध बनेला 28 पक्षों गठबंधन में सीट की वहेंचणी पर हज सुधी कोई चर्चा थी नहीं। जो कि 19 डिसेम्बरे दिल्ली में योजनारी बैठक में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाले विपक्ष पीएम चेहरा तरीके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाम आग करू। जो कि खड़गे कहूत कि गठबंधन की पहली प्राथमिकता लोकसभा चूंटनी जीतवा है। लोकसभा चूंटणी पहला बंगाल मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बेनर्जीए धोको पछाड्यो छे। ममता बेनर्जीए कहू कि बंगाल में लोकसभा चूंटणी टीएमसी भाजपनी हशे। तेमणे दावो कर्यो छे कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन वच्चे मिलीभगत छे, अहीं सीट शेरिंग कोई समझूती नहीं थाय। पश्चिम बंगाळना मुख्यमंत्री ममता बेनर्जीए स्पष्ट कर्यु छे कि लोकसभा चूंटणीमां टीएमसी भाजप सामेनी लड़ाईनुं नेतृत्व करशे।
તેમણે બંગાળમાં સીટની વહેંચણી પર કોઈપણ પક્ષ સાથે સમાધાન કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં ઇન્ડિયા એલાયન્સની પાર્ટી સીપીઆઈએમ અને કોંગ્રેસ પર ભાજપ સાથે સાંઠગાંઠનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઉત્તર ચોવીસ પરગના જિલ્લામાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને સંબોધતા મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયા દેશભરમાં ભાજપનો સામનો કરશે, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પશ્ચિમ બંગાળમાં આ લડાઈનું નેતૃત્વ કરશે. તેમણે કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં સીપીઆઈએમ, ભાજપ અને કોંગ્રેસે ગઠબંધન કર્યું છે અને અમારી વિરુદ્ધ સક્રિયપણે પ્રચાર કરી રહ્યા છે. You see, there is a misconception about the whole thing. India alliance, the whole target is to fight out BJP from administration through democratic process. Mamata doesn't have any existence beyond West Bengal. Therefore, she is not a part of India. She is only a part of West Bengal where she is losing her ground. And by losing her ground, BJP is gaining field. But the left and the other secular forces will fight together. We feel in West Bengal that there is no difference between Mamata and BJP. One is complementary to each other. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે થોડા દિવસો પહેલા કહ્યું હતું કે સીએએના અમલને કોઈ રોકી શકશે નહીં. તેનો જવાબ આપતા સીએમ મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે નાગરિકતા સંશોધન કાયદાનો મુદ્દો રાજકીય એજન્ડા માટે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. તેઓ લોકોને વિભાજિત કરવા માંગે છે. તેઓ કેટલાકને નાગરિકતા આપવા માંગે છે અને અન્યને નાગરિકતા આપવા માંગતા નથી. જો કે એક સમુદાયને નાગરિકતા મળી રહી છે તો અન્ય સમુદાયોને પણ તે મળવી જોઈએ. આ ભેદભાવ ખોટો છે. અમે આ ભેદભાવની વિરુદ્ધ છીએ. અમિત શાહજી, ગૃહમંત્રીજી ક્લિયરલી બોલ દીએ હૈ ઇસ ટાઈમે ભી જબ આયે થે સીએએ મે લોક હમારે સાથ જુક્ત હોગા, એડ હોગા, એસા કોઈ બાદ નહીં હોગા, એનઆરસી નહીં હોગા. યે તો લોક કે અંદર મે પૂરા મતલબ કન્ફ્યુઝન કા પૂરા વાતાવરણ તૈયાર કર રહે હૈ ઓર યે પાંચ રાજ્યો કા ચુનાવ મે ઇસકો ડર લગ ગયા ઇસલિયે યે સબ બાત બોલ રહે હૈ, પૂરા ડરા રહે હૈ. મમતા બેનર્જી 1971 અને ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશથી આવેલા લોકોને જમીનના અધિકારો આપવાની ટીએમસી સરકારની યોજના વિશે વાત કરી. તેમણે શરણાર્થીઓને જમીનના અધિકારો આપવાનો આગ્રહ કર્યો જેથી તેઓ હવે શરણાર્થી ન રહે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી ટીએમસી 2019માં સંસદમાં પસાર થયેલા સીએએનો વિરોધ કરી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી. અખિલેશ યાદવના સહયોગી મહાદળ નેતા કેશવ દવે મૌર્યએ સપા અને બસપાને ફરી એકવાર ઇન્ડિયન ગઠબંધન હેઠળ એક સાથે આવવાની સલાહ આપતા કહ્યું છે કે માયાવતી એક કુશળ નેતા છે અને જો તેઓ દેશના વડાપ્રધાન બને છે તો તેમનું સન્માન થશે, દેશ પણ વધશે. અને તેમણે કહ્યું છે કે જો સપા અને બસપા અને સમર્થન આપે છે તો તેમણે સાથે આવવું જોઈએ. જો કે સપાએ અગાઉ બસપાને સાથે લેવાનો વિરોધ કર્યો હતો. કેશવ મૌર્યા તેના સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ ઉપર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી જેમાં તેમણે લખ્યું છે કે સપા અને બીએસપી મળીને 2024માં ઇન્ડિયન ગઠબંધનના બેનર હેઠળ માયાવતી દેશના વડાપ્રધાન બનશે અને 2027માં પણ સપા અને બસપા બંને મળીને અખિલેશ યાદવને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી બનાવશે. તેમણે લખ્યું હતું કે જો તેમની વાત સાચી લાગી હોય તો હાથ મેળવો. તો બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર ફરી એકવાર જેડીયુના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. દિલ્હીમાં જેડીયુની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક મળી હતી જેમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદેથી લલનસિંહે રાજીનામું આપી દીધું છે, જે બાદ નીતિશ કુમાર ફરી એકવાર પાર્ટીની કમાન સોંપવામાં આવી છે. જેડીયુના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદને લઈને લાંબા સમયથી જે ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી તે અંતે સાચી સાબિત થઈ. દિલ્હીમાં જેડીયુની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીના બીજા દિવસે પાર્ટીના વરિષ્ઠ સભ્ય લલનસિંહે પાર્ટીના અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપી દીધું. પાર્ટીની કમાન હવે ફરીવાર બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારના હાથમાં આવી ગઈ છે, એટલે કે નીતિશકુમાર જેડીયુના બ્રાન્ડ હશે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા જેડીયુનો આ મોટો દાવ મનાઈ રહ્યું છે, તેનાથી બિહાર અને દેશની રાજનીતિમાં નીતિશકુમારના કદમાં વધારો થશે. તેમજ ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં તેમની વડાપ્રધાન પદની દાવેદારી પણ મજબૂત બનશે. લલનસિંહે જ નીતિશકુમારને જેડીયુના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો જેને સર્વસંમતિથી પસાર કરવામાં આવ્યો. લલન બાબુને ખુદ કહા, ઉન્હોને મીટિંગમાં કહા કે પહેલે ભી વો મુખ્યમંત્રી જી કે નિર્દેશ પર હી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ કા પદ સ્વીકાર કિયા થા ઓર અબ ઉન્હે ચુનાવ લડને કે લિયે લગાતાર બહાર રહેના હોગા. ઇસલિયે ઉન્હોને કહા મુખ્યમંત્રી જી સે અનુરોધ કિયા કે વો સ્વીકાર કરે, જો મુખ્યમંત્રી જી ને સ્વીકાર કર લે. લલનસિંહે પાર્ટીની કાર્યકારિણીની બેઠકમાં કહ્યું કે આગામી સમયમાં ચૂંટણી સક્રિયતા વધવાના કારણે તેમણે અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે.
લલન સિંહના નિવેદનનો મતલબ શું છે? શું લલન સિંહ લોકસભા ચૂંટણી લડવાના છે? चुनाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के दो महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है? फिर आप हटने, हटना, हटाना, ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और जनता यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी एक भी तस्वीर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि श्री नीतीश कुमार जी श्री ललन सिंह जी के को भांप चुके हैं कि श्री नीतीश कुमार जी को ललन सिंह जी ने ना एनडीए का रहने दिया ना ईडी का रहने दिया। और आने वाले दिनों में जो संकेत है कि श्री ललन सिंह कभी भी राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी बढ़ती नजदीकियां से नीतीश कुमार जी काफी परेशान भी थे। लोकसभा चूंटणी ना अमुक महीना पहला લલન સિંહ ના રાજીનામા એ ઘણા સવાલ પણ ઉઠાવ્યા છે। લલન સિંહે 21 જુલાઈ 2021 માં જેડીયુ નું અધ્યક્ષ પદ સંભાળ્યું હતું। બીજી તરફ બિહારમાં લોકસભાની 40 બેઠકોમાંથી જેડીયુ પોતાના માટે 17 બેઠકો ઈચ્છી રહી છે, જ્યારે બાકીની બેઠકો ગઠબંધન દળો માટે છોડવા માંગે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી।